स्वागत है। अभी मैं अपने स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, रियल मॉडल स्कूल के बाहर। अब मैं आपको लिए चलती हूँ मेरे स्कूल में और यहाँ पे और यहाँ के बच्चों की क्या थिंकिंग है, यहाँ की फैसिलिटी क्या है, यहाँ के टीचर्स बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। को लिए चलते हैं क्लास फोर में। ये हमारे शंभु सर हैं और इनसे जानते हैं कि अभी इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई हो रही है, तो सर से जानते हैं कि ये इन बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। अभी इंग्लिश ग्रामर का पीरियड चल रहा है। इंग्लिश ग्रामर में जो चैप्टर है, टॉपिक है, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया मैंने और प्रोनाउन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को क्लियर किया। बच्चों ने बहुत अच्छा कॉपरेशन किया, उसे बेहतर ढंग से समझे और यह कामयाब हो, ऐसी कामना हम करते हैं। सर, तो आपको इनसे पढ़ाने में कोई समस्या या फिर इन लोगों को? नहीं, बच्चे काफ़ी कोऑपरेटेबल हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होती है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा डल हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट करने की मेरी पूरी प्रयास रहती है और वैसे बच्चों को मैं स्पेशल फोकस देता हूँ, वैसे बच्चों पर, और उनमें इम्प्रूव करने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। सर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों से कुछ सवाल पूछूँ। आपका नाम क्या है? माय नेम इज टिया कुमारी। अभी प्रोनाउन पढ़ रहे हो? यस। और नाउन? यस। नाउन का डेफिनेशन? नाउन इज अ वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। आपका नाम क्या है? माय नेम इज हर्ष कुमार। प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो अब हम जान लिए कि हमारे स्कूल इस क्लास फोर के बच्चे इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे और हमने इनसे कुछ सवाल पूछे तो इन्होंने इनका जवाब दिया। अब हम आपको लिए चलते हैं हमारे दूसरे क्लास में। आपको लिए चलते हैं, हमारे स्कूल के ग्राउंड है और हम अपने पीटी टीचर से जानते हैं कि पीटी क्यों जरूरी है बच्चों के लिए। पीटी हम लोग अपने स्कूल में इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो और इससे जो फिटनेस सही से बना रहे, और स्कूल में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है ताकि उसका मानसिक संतुलन बना रहे। आज हम लोग बहुत सारे अनकॉन्शियस बीमारी हो रहा है, दिन पर दिन बीपी बढ़ना, ये सब बढ़ना, तो ये सब सभी चीज़ों का जरूरत है बीपी, मतलब कि ताकि उसका सही रहे, मानसिक विकास उसका सही रहे, इसलिए हम लोग स्कूल में पीटी करवाते हैं। इसका फायदा क्या है? इसे बेनिफिट यही रहेगा ताकि मतलब कि जो बॉडी फिटनेस है बच्चों का वो सही रहे, जो हेल्थ में प्रॉब्लम आता है, एक तरह से बोल सकते हैं आप, जो आजकल फैट बढ़ा हुआ है बच्चों का, ये कम होगा और मानसिक विकास होगा, ये सब का योगा सब यहाँ पे होता है। थैंक यू सर। अब हम जान लिए कि हमारे पीटी टीचर से कि पीटी क्यों जरूरी है। ये रियल मॉडल का ही पार्ट है, हमारे छोटे बच्चों, प्ले और नर्सरी के बच्चों के लिए हमारे सर ने अलग से एक सेक्शन बनाया है, लिटिल टॉट्स स्कूल। चलिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे लिटिल टॉट्स में और जानते हैं कि इसमें फैसिलिटी क्या क्या है। ये देखिए, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स हैं, झूले लगे हैं अलग अलग तरीकों के, यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं और अच्छे अच्छे मतलब थॉट्स लिखे गए हैं दीवारों पे। यहाँ पे छोटे छोटे फूल भी हैं ताकि यहाँ पे हरियाली बनी रहे, शांति रहे इस स्कूल में, इस सेक्शन में। और चलिए हम आपको लिए चलते हैं अंदर और जानते हैं आगे। चलिए हम आपको लिए चलते हैं अपने जूनियर क्लास में। आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? हम लोग बच्चों को बच्चे के साथ मिलकर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि वो मतलब बच्चे की तरह हम लोग सोचते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं कि उनको लगे ना कि पढ़ाई हो रहा है। उनके साथ खेल खेल में ही पढ़ाते हैं ताकि वो मतलब सीख सके, खेल खेल में उसको लगे ना कि ये पढ़ाई हो रहा है, खेल खेल में ही उसको सिखाते हैं ताकि वो मतलब जल्दी से कुछ सीख सके। आपको अब लिए चलते हैं अपने स्कूल के एक्टिविटी रूम। ये क्या है? एक्टिविटी रूम है। और यहाँ क्या हो रहा है? एक्टिविटी हो रहा है यहाँ पे, अलग अलग तरह से बच्चों के एक्टिविटी सिखाया जाता है जिससे कि उनसे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो। चलिए अब आपको लिए चलते हैं दूसरे क्लास। आपका नाम क्या है? माय नेम इज आशुतोष। आपको कोई पोयम याद है? नहीं। मामा दूर बच्चा सा खाओ ना, मिट्टी वाली गाओ ना, मिट्टी में सो जाओ ना। इसमें स्कूल में आपका स्वागत है। ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं आलोक सर। चलिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे स्कूल के बच्चों के बारे में, वो उनके भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आई एम अमीशा फ्रॉम क्लास 10। मैं
आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस स्कूल के बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है? किसी भी स्कूल के बच्चे जो होते हैं हमारे भारत के भविष्य हैं। हमारा मेन उद्देश्य होता है किसी भी बच्चे में सबसे पहले बेसिक नॉलेज को ठीक करना, उसके बाद उनको इस लेवल तक पहुंचाना कि वो कहीं भी इस ऊंचाई पे पहुंचे जहां उनको मेरी आवश्यकता नहीं हो, उनका नॉलेज उनके लिए उनकी शक्ति बनकर उभरे। और ये नहीं कि केवल पढ़ाई में, स्पोर्ट्स हो, कंप्यूटर हो या जो भी फील्ड हो, वो हर फील्ड में हमेशा अच्छा करे और आगे नाम करे। चलिए हम जान लिए इनसे कि हमारे स्कूल के बच्चों के बारे में क्या जानते हैं। अब हम आपको अगले क्लास में लिए शुरू।